कृष्ण, मैं आपके लिए भोजन लाई और उसके पश्चात सत्यभामा भी आपके लिए भोजन लिया, इसीलिए यहाँ दो थाली होगी। श्री कृष्ण, आपको मेरी लाई थाली से ही भोजन करना होगा। मुझे तो भूख नहीं है। एक कार्य करते हैं, आप दोनों इन थालियों से भोजन ग्रहण कर लीजिएगा, मैं स्वयं अपने हाथों से आपको प्रथम कौर खिलाऊंगा। श्री कृष्ण, प्रथम कौर आप केवल मुझे ही खिलाएंगे, आप प्रथम कौर सत्यभामा को ही खिलाएंगे। अच्छा, आप दोनों भोजन ग्रहण कर लीजिए, मैं शिखर कुंड। श्री कृष्ण ने पहला कौर मुझे ही खिलाया। हाँ वो तो है, तो उसका आनंद मुझे भी तो आया ना। कैसे? यदि कौर मुझे खिलाया तो आनंद आपको कैसे आया? क्योंकि तुम वो नहीं देख सकती जो मैं देख सकती। जब तुम श्री कृष्ण अपने अस्तित्व को देखोगी ना, तो तुम उनके हर भाव में स्वयं को ही पाओगी। श्री कृष्ण चाहे जो कुछ भी करे, किंतु उसका आनंद तुम्हें अवश्य मिलेगा। वो चाहे कर्म जहाँ भी करे, वृक्ष कहीं भी लगाए, किंतु उसके फल तुम्हें ही।